हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों आज हम करते हैं अपनी क्लास सेकंड की वर्कशीट 8 इंग्लिश की। इसमें हम करेंगे पार्ट नंबर 8 स्टॉर्म इन द गार्डन, यानी बगीचे या उद्यान में तूफान का आना। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। राइट द करेक्ट प्रीपोजिशंस बिलो। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। बच्चों प्रीपोजिशंस वो शब्द होते हैं जो किसी नाउन की पोजिशन बताते हैं। जैसे अ बैलून इज फ्लोटिंग इन द एयर। बैलून कहाँ पर है? हवा में तैर रहा है। तो इसमें क्या होगा? इन जो है वो प्रीपोजिशन होगा। चलिए आगे देखते हैं, आप खुद से क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, इनको आपको इन लाइन में भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। चलिए करते हैं इसको। पहला है द डॉग इज अंडर द टेबल। अंडर यानी नीचे। दूसरा है द बॉय इज बिहाइंड द बुक्स, यानी जो लड़का है ये किताबों के पीछे है। इधर देखते हैं द बर्ड इज इन द केज, यानी जो पक्षी है वो केज यानी पिंजरे के अंदर है। आगे बढ़ते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब जो है वो मेज पर है। द डक इज फ्लाइंग ओवर द ग्रास, यानी जो ये बतख है ये घास के ऊपर, ओवर का मतलब होता है ऊपर, तो डक जो है वो घास के ऊपर उड़ रही है। आते हैं हम अगले पे। द रैबिट इज नियर द ट्री। नियर का मतलब होता है पास, यानी जो खरगोश है वो पेड़ के पास में है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द नेम्स ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स हु क्रॉल। यहाँ पर कुछ जानवरों के चित्र दे रखे हैं जो रेंगने वाले हैं, आपको इनके नामों को पूरा करना है, इनके नामों में कोई एक अक्षर छोड़ रखा है। चलिए करते हैं। पहला है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। दूसरा है अर्थफॉर्म यानी केंचुआ। तीसरा है स्नेक यानी सांप। चौथा है लिजर्ड यानी छिपकली। पांचवा है स्नेल, स्नेल होता है घोंघा जो बहुत धीरे धीरे चलता है। अब आखिरी वाला देखते हैं। आखिरी वाला है टर्टल, टर्टल यानी कछुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बच्चों, देखो दे रखा है कि इसमें कुछ यहाँ पर साउंड्स दे रखी हैं और यहाँ पर उनके चित्र दे रखे हैं, यानी ये साउंड कौन बनाता है, कौन बोलता है इन साउंड्स को। पहले देखते हैं हम का का का, ये बोलता है, कौन बोलता है ऐसे? कौवा यानी क्रो। दूसरा है शे शे, इसको हम मिलाएंगे ट्री यानी पेड़ से। अब आगे बढ़ते हैं। एक साउंड है जैक जैक, ये है बिजली के कड़कने की आवाज। अगला है गडाम गडाम, ये है बादल के गरजने की आवाज। और आखिर में आता है सिट्टा सिट्टा पिट्टा पिट्टा, ये जो है ना ये है बारिश के होने की आवाज। तो हमने इनको मैच कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, उसके साथ में दो शब्द दे रखे हैं, आपको सही स्पेलिंग पर गोला लगाना है। करते हैं इसको। पहला जो है ये है कुआं, इसकी स्पेलिंग होती है वेल। ये है गार्डन, गार्डन की स्पेलिंग ये है। ये है स्टोन, इसकी स्पेलिंग ये है सही। ये टेल यानी पूंछ है, इसकी सही स्पेलिंग ये है। अब आगे देखते हैं। आगे है यह है फ्लावर पॉट यानी गमला, गमले की सही स्पेलिंग ये है फ्लावर पॉट की। यह है आंट, आंट यानी चींटी, इसकी स्पेलिंग ये सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि कलर योर स्मॉल फ्रेंड्स यूजुअली फाउंड इन द गार्डन। ये कुछ ऐसे कीट पतंगों के चित्र हैं जो हमारे गार्डन में, बगीचे में हमें मिल जाते हैं, आपको इनमें सुंदर सुंदर रंग भरने हैं बच्चों। और अब एक आखिरी क्वेश्चन दे रखा है इसमें, वेयर डू यू थिंक दे गो व्हेन देयर इज स्टॉर्म एंड रेन। बच्चों जब बारिश आती है, तूफान आता है, तो ये लोग या ये कीट या कीड़े कहाँ जाते हैं? बच्चों जब तूफान आता है तो क्या होता है, बारिश भी आती है तो इनके जो बिल होते हैं जिसमें रहते हैं उसमें पानी भर जाता है और ये वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो हम लिखेंगे दे कम आउट ऑफ द होल्स इन विच दे लिव, यानी जिन गड्ढों में या जिन बिल में रहते हैं वे वहाँ से बाहर निकल आते हैं। तो बच्चों ये हमारी वर्कशीट हो गई है कम्प्लीट।